हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। अब चलो कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। दोनों पोजीशन पे निकालेंगे, एक तो उसके एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सपोज करो एक मैग्नेट मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये है, ठीक है। मान लो इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मान लो कोई इक्वेटोरियल पोजीशन ले लो, से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो से सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है आर पे है, ठीक है। ये सेंटर से मान लो इतना दूर मैग्नेट का नॉर्थ पोल एल डिस्टेंस पे है और साउथ पोल भी एल डिस्टेंस पे है। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एम इंटू टू एल। मैग्नेटिक मतलब ये जैसे चार्ज की वैल्यू देते हैं वैसे ही मैग्नेट की कुछ बोलते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस है। चार्ज क्या होता था, सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता था, क्यू इंटू टू एल। इस तरीके से यहाँ पे एक एक मैग्नेटिक मोनोपोल्स की वैल्यू इंटू टू एल। इसी को हम लोग और क्या लिखते थे, आई इंटू ए बी, ठीक है। यही मैग्नेट आई ए बी होता है, ठीक है, सॉरी आई ए बी नहीं, आई इंटू ए, मतलब करंट के कारण अगर और एरिया अगर दिया रहे तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अब हमें इस पोजीशन पे मान लो ये एक एक्सिस पे एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बोल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक बार इस पोल के कारण निकालेंगे और एक बार इस पोल के, से दिस इज़ द आर पॉइंट मान लो, ठीक है। और कुछ और भी मान लेते हैं, सपोज कर लो मैं इसको बोल देता हूँ मान लो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर सिक्वेंस में रहेगा, ठीक है। एंड पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है, मतलब आर माइनस एल। एक मिनट, अब चलो इसके कारण एक बार करंट निकालते हैं और एक बार एस पोल के कारण, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होगा, फील्ड ड्यू टू दिस माइनस फील्ड ड्यू टू दिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता, फील्ड होता क्या है, म्यू नॉट इंटू इस चार्ज को अपॉन फोर बाई एम डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमने बायोट सेवर्ट लॉट में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, फील्ड ड्यू टू ये वाला, ठीक है, आर एन के कारण। तो मान लो नॉर्थ पोल के कारण मैं मान लेता हूँ बी आर एन माइनस बी आर एस के कारण, ठीक है, मतलब आर पे एस के कारण, आर पे एन के कारण। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू जैसे चार्ज की वैल्यू से मैग्नेटिक मोनोपोल की वैल्यू एम, ठीक है। और एक डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला आर क्यू, यहाँ से डिस्टेंस क्या, आर क्यू, आर क्यू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या है, आर है, स्मॉल आर, उसमें से इतना दूर एल है, तो ये बचा डिस्टेंस वो क्या होगा, आर माइनस एल, ठीक है, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, फिर से मैग्नेटिक मोनोपोल दो दो की वैल्यू तो सेम ही होगी मैग्नेटिज्म की, इंटू आर पी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, वो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम कॉमन ले सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम हमने कॉमन ले लिया मैग्नेटिक मोनोपोल, इंटू वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किया हमने। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इधर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा। अगर चाहिए तो मैं करके दिखा देता हूँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा, राइट, और नीचे ये दोनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है।
ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे, ऊपर जो बचता है वो होता है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आपको, म्यू नॉट अपन फोर पाई इंटू एम, ये बचता है फोर आर एल, फोर आर एल क्यों बचेगा, देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बचता क्या ए स्क्वायर, प्लस टू ए बी और यहाँ पर बचेगा माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू ए बी हो जाएगा, तो टू आर एल प्लस टू आर एल क्या बचेगा फोर आर एल इंटू फोर आर एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आओ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसको जरा डाइपोल के टर्म में लिखते हैं, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, आपका यहाँ पे देखो क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है एम, इसको हम डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल एम से। ठीक है, यस, अब एम इंटू टू एल, यहाँ पे क्या है एम इंटू फोर एल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू आर, इसमें से दो हटा दिया मैंने, टू इंटू आर इंटू एम इंटू टू एल, ये हो गया। ठीक है, तोड़ा है मैंने इसको और कुछ नहीं, अभी भी वही चीज़ आएगा, देखो टू इंटू टू फोर आर एल इंटू एम, अब मैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम इंटू टू एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू टू की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब टू एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू बार मैग्नेट, ये था पहला कंडीशन ऑन द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब एक ऐसा सिचुएशन मान लो जहाँ पे आर बहुत बड़ा है कंडीशन एल के कॉम्पेरिजन, मतलब आर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस है कंपेयर टू डिस्टेंस, आर इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन एल, तो उस समय क्या हो जाएगा, एल को इग्नोर कर देंगे डिनोमीटर में, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम आर अपॉन क्या बन जाएगा, एल को जीरो मान सकते थे, जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या आर स्क्वायर का उसका स्क्वायर आर फोर बचेगा, आर फोर तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि बी के वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यूब, जनरली ये डिस्टेंस तो बड़ा होता ही है कंपेयर टू मोनोपोल्स, तो ये एक कंडीशन आ गया अपना। ठीक है, अब मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, मतलब इधर कहीं रखा हो पॉइंट, तो उस समय क्या होगा, थीटा वाला एंगल बनेगा, डायरेक्टली कर देंगे ये जैसे उसमें किए थे इलेक्ट्रिक वाले में, ज़्यादा नौटंकी की जरूरत नहीं है, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, इसको करंट एलिमेंट मान के भी कर सकते थे इसको सॉल्व। ठीक है, करंट एलिमेंट मान के कभी बता दूंगा आपको लाइव क्लास जब करेंगे तो। अब देखो यहाँ पर ये मान लो आपका पोल है, नॉर्थ है साउथ है, मैंने कोई इक्वेटोरियल पोजीशन लिया, मान लो ये लिया, ये अगेन मेरा सेंटर पॉइंट है, ये एल डिस्टेंस पे है, ये भी एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इसके कारण मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक इसके कारण होगा। ठीक है, ये मान लो आपका से पी पॉइंट है, इसके कारण एक है भैया और एक इसके कारण है। ठीक है, अब आओ ये जो इधर जा रहा है, मान लो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये इसके साथ कितना एंगल है, थीटा बना रहा है, ये मान लो बी वन है और ये बी टू है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये बी टू है, ये वाला इसके लिए ये वाला क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, बी टू कॉस थीटा, और बी वन के कारण भी इधर एक क्या बनेगा, बी वन कॉस थीटा,
ठीक है, और 90 डिग्री वाला साइन थीटा बनेगा, ये इनके लिए है और ये एक इसके लिए बनेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए मान लो यहाँ पे ये हो जाएगा बी टू साइन थीटा और ये हो जाएगा बी वन साइन थीटा, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा कौन सा होगा, कॉस थीटा वाला होगा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ डिटेल में कैसे क्या है, क्योंकि ये हम लोग इलेक्ट्रिक वाले में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो दोनों मैग्नेटिक पोल्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो मतलब ये चार्ज भी मैग्नेट को सेम है, ये भी एम है, ये भी एम है, डिस्टेंस भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो आइडियली बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू बी टू, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू किसी को बी वन की जगह बी टू लिख दो, कुछ भी लिख दो, बी टू की जगह बी वन या बी वन की जगह मान लो बी टू की जगह बी वन लिख दो, तो क्या हो जाएगा, टू बी वन कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टू बी वन की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई मैग्नेटिक मोमेंट, जो भी हो आपका मान लो एम है, मैग्नेटिक मोमेंट में भी मान रहा हूँ, सॉरी ये मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूँ, एक मैग्नेटिक मोनोपोल की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कैसे निकालोगे, से दिस इज योर सेंटर से आर डिस्टेंस है और ये एल डिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज की तरह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आती है बात किस चीज की, कॉस थीटा की, कॉस थीटा कैसे निकालोगे। यहाँ पे आइए, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, कॉस थीटा आपको निकालना है, ये आपका एल है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ये वाला, ये थीटा है तो इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, पढ़ा होगा आपने ऐसे मैथ्स में, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, बेस क्या है एल और हाइपोटेन्यूस अभी आपने निकाला है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट होगा ना ये वाला टू, मतलब वन बाई टू, और ये तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वन प्लस वन बाई टू का पावर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाइए, म्यू नॉट एम इंटू टू एल लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम इंटू टू को इधर उठा के लिख दिया, टू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाई टू। एम इंटू टू एल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाई टू। तो ये हो गया इस पे एक्सियल पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे क्या होता था, टू एम होता था, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे भी मान लो आर की वैल्यू एल से बहुत ज़्यादा है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन एल, तो एल क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्यूब, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये बार मैग्नेट के कारण ये चीज़ें हुई। अब आपको बात करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ होगा टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ये भी आपने लास्ट चैप्टर में अगर देखा हो तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो एलॉन्ग होता है तो अलग चीज़ है, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और आपने एक बार मैग्नेट थोड़ा सा आरे तिरछे रखा हुआ है, जब पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों एलॉन्ग द सेम लाइन हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लगेगा, इसके कारण अलग एंगल पे है और से ये अलाइन कर रहा है फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में ही, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स जीरो होता है, एफ नेट जीरो, लेकिन एक दूसरा चीज़ काम करता है, टॉर्क काम करता है, बट टॉर्क एक्ट्स, और टॉर्क की वैल्यू टॉर्क से देते हैं, कितना देते हैं, एम बी साइन थीटा, अगर आपको याद हो एम बी साइन थीटा देते हैं, ठीक है। तो फोर्स की जगह ये चीज़ काम करता है टॉर्क, जिसे हम एक और नाम देते हैं कपल, क्या बोलते हैं कपल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में जो हमने वर्क डन किया, मतलब उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मान लो पहले अलोंग द क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको अब हमने कुछ एंगल पर रख रखा है, ठीक है। तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, हमने बस देखा यहाँ पर, हमें पता क्या है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले लास्ट ईयर। उसी तरीके से यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स की जगह क्या करता है टॉर्क, तो वो क्या होता है टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, किससे एंगल के केस में, कितना एंगल, एंगल से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो इन डिस्प्लेसिंग द मैग्नेट बाई एंगल थीटा वर्क इज डन, वर्क इज डन, कुछ तो डर करना पड़ेगा, वर्क इज डन विच इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, विच इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, पोटेंशियल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। हमने बोला वर्क डन क्या होता है, मान लो छोटा सा वर्क डन टॉर्क इंटू डी थीटा, मान लो हल्के से किया तो टोटल छोटे छोटे एंगल्स को जोड़ेंगे तो पूरा थीटा का दे देगा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू यहाँ पे टॉर्क है, तो टॉर्क तो कांस्टेंट होगा किस फील्ड में, यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल दो, बचेगा क्या डी थीटा, तो ये क्या होगा एम बी, टॉर्क क्या होता था एम बी और साइन थीटा, तो थीटा को करेंगे तो थीटा को अंदर रखना पड़ेगा हमें, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड दोनों तो कांस्टेंट होगा, बचेगा थीटा, तो थीटा को ही थीटा से इंटीग्रेट करना, तो उसको हमने अंदर रख लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है एम बी लोअर लिमिट हायर लिमिट माइनस कॉस थीटा होता है, और कहाँ से कहाँ तक आप करोगे थीटा वन से थीटा टू तक, ठीक है। तो एम बी क्या आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, पहले कॉस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस साइन है तो ये वाला पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो यही स्टोर हो जाता है, ये वर्क डन है एंड दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट करते हैं स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से हम डिनोट करते हैं, यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। अब मान लो थीटा वन 90 है और थीटा टू जीरो है, ठीक है। थीटा वन इफ थीटा वन इज इक्वल टू 90, थीटा टू इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या होती है, कॉस मतलब कहने का मतलब है यू इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस जीरो डिग्री, यही होगा ना कॉस जीरो डिग्री, ठीक है। इसको जब करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा,
जीरो डिग्री, मान लो ये कोई थीटा एंगल है, हमें नहीं पता कितना, 90 से हम किसी एंगल पे ले जा रहे हैं, जीरो डिग्री नहीं लेते हैं, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग, मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा यू। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। हमने क्या किया, जब थीटा 90, मतलब बोला है हमने कि मान लीजिए पहले 90 डिग्री पे था निडल, या ये बार में कुछ भी निडल हो या कुछ भी हो, मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, मान लो ये फील्ड था और ये ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा था, उसके बाद हम किसी एंगल पे ले जा रहे हैं, 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो हो जाता, ख़त्म। अब उस पोजीशन से हम थीटा पे लेके आ रहे हैं उस केस में, इसी कारण हमने थीटा को 1 को 90 माना है, मतलब मान लो पहले दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, तो उस समय तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, जीरो हो जाता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब उस परपेंडिकुलर से किसी पार्टिकुलर एंगल पे हमने टेढ़ा कर दिया उसे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मतलब वर्क डन जो करेंगे वही परपेंडिकुलर से उसको टेढ़ा करने में जो वर्क डन किया वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला निकाला हमने। लेट मी क्लोज दिस। इसके बाद कुछ छोटे मोटे और टॉपिक हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आई फर्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक, जैसे पारा मैग्नेटिज्म अगर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से डिस्कस करें, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स डिस्कस, अगर मन हुआ तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ये बहुत छोटा चैप्टर है। थैंक यू।